हाँ विकास सोया था, ये मेरा स्कूल का बैग यहीं पड़ा है, ये मेरा टॉवल पड़ा है, और ये मेरे चश्मे का बॉक्स वहाँ पड़ा है, और ये देखो सुमित और मैं यहाँ सोए थे, और ये सब कुछ ऐसे पड़ा है। हेलो गाइज, वेलकम टू आर अनादर व्लॉग। और गाइज जो आज का जो व्लॉग है वो आप लोग देख सकते हो कि आपके भाई टी शर्ट में आ चुका है, लोअर में आ चुका है, लेकिन यार मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यार हमारी फैमिली और हमारी फैमिली के सामने हम कैसे भी आ सकते हैं। तो यार मैं सोचा था यार क्या बताऊँ आप लोगों को, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि यार मम्मी गाँव जा चुकी है, जयपुर जा गई है मम्मी, और वहाँ पर ही रहेगी 10 दिन। तो यार कल गई थी मम्मी सुबह, और फिर मैं सोचा शाम को खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन शाम को आपका भाई है ना जिम कर आ चुका है, और शाम को जब मैं वापस आकर यार सोया था ना, तो यार क्या बताऊँ, सोचा था सुबह स्कूल जाऊँगा, लेकिन यार प्लान चेंज हो गया, सुबह सुबह नींद खुली नहीं, तो मैं सोचा यार आज स्कूल नहीं जाएंगे। और फिर मैं सुबह उठा 10 बजे, और अभी टाइम हो चुका है 12 बजे, क्योंकि मैं उठकर एक्सरसाइज वगैरह कर फ्रेश वगैरह हुआ, तो 12 बज चुके हैं। और मैं सोचा यार कितने दिन हो गए व्लॉग आए नहीं, तो व्लॉग बना लेते हैं बढ़िया सा। पहले तो यार ये देखो ट्राईपॉड, ये गिम्बल मिला नहीं, तो इस ट्राईपॉड से भी व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन फिर सोचा यार कोई बात नहीं ढूंढता है, फिर ढूंढा तो ये मिल गया, फिर इसके नीचे वाला वो ट्राईपॉड स्टैंड नहीं मिला वो मिल गया, तो अब सोचा हूँ व्लॉग बना दूँ। और छोड़ो यार इन सबको, और देखो कितनी भयंकर तरीके से यहाँ बड़ी आप लोगों को दिखाता हूँ यार, सुबह से मैं ना कल से तंग हो चुका हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं रहती तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है घर पर। आप लोग देखो, ये देखो मेरे स्कूल के कपड़े, मैं कल आया था स्कूल से, ये देखो कपड़े यहाँ कपड़े पड़े हैं स्कूल के, वो पूरा घर में ऐसे ही हो रखा है यार, क्या बताऊँ आप लोगों को। और रात को यहाँ पर लेट आए थे वहाँ पर खाना खा कर, तो अभी मेरे को लग रहा लाइट भी नहीं आई होगी है ना। अरे यार गाइस कोई बात नहीं, लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा 5-10 मिनट वेट करेंगे आप लोगों को, ज़्यादा दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मेरे रूम में किस तरीके से, देखो आप लोग कैसे पड़े हैं यार। और आज मुझे आपके भाई को ना कपड़े भी धोने हैं यार, और है ना कल तो आज सैटरडे है, और कल वैसे भी संडे है, तो जाएंगे वहाँ पर, कहाँ पर, कल जाएंगे रॉयल डिफेंस अकेडमी, और वहाँ का व्लॉग करने वाले हैं कल रॉयल डिफेंस अकेडमी का, तो यार वहाँ पर तो जाना बनता है, क्योंकि यार अभी मैंने मेरा फ्रेंड है वहाँ पर रॉयल डिफेंस अकेडमी पढ़ता है, दिग्विजय नाम है उसका, और मैं क्या यार हॉर्स राइडिंग का बहुत इतना शौकीन हूँ यार गाइस, हॉर्स राइडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे, उनकी जो घोड़ियाँ वगैरह है सब वहीं पर है, और वहीं पर हॉर्स राइडिंग करेंगे कल, और फिर शाम को आएंगे वापस, तो कल का व्लॉग आपको परसों अपलोड करेंगे। और ये वाला सोच रहा हूँ कल अपलोड कर दूँ, क्योंकि यार 4-5 दिन हो चुके हैं वीडियो आ नहीं रहा है, और तो सोच रहा हूँ यार एक व्लॉग डाल ही दूँ। और आप लोग देखे तो किचन की हालत जो है, मैंने खाना बना लिया है वैसे तो, और सुमित स्कूल गया, सुमित को आप जानते होंगे क्योंकि मेरा भाई है वो, और वो मतलब कई बार अपना कैमरा वगैरह पड़ता है, पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हालत हो रखी है यार, और मैंने खाना बना लिया है, और उसका लंच भी मैंने इसमें, फाइनली लाइट आ चुकी है, और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे रूम की क्या हालत हो रखी है अभी इस टाइम पर। और मुझे लगता है यार इस अब सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी ने अभी फ़ोन करके बोला है कि सफाई नहीं की तो देख लेना, और तो आप लोग दीजिए तो पीछे घुमा के दिखाता हूँ आपको कैमरा क्या हालत हो रखी है यार यहाँ की, आप लोग देखो वो देखो, रात को जैसे आए थे और जैसे यहाँ पर सोए, यहाँ पर विकास सोया था इस पर, और ये कपड़े सूखे थे कल ऐसे ही पड़े हैं अभी तक, और मुझे लगता है साहब हाँ ठीक है, अब कपड़े देखो यहाँ पर, ये भी यहाँ पर विकास हुआ था, ये मेरा स्कूल का बैग यहीं पड़ा है, ये मेरा टॉवल पड़ा है, और ये मेरे चश्मे का बॉक्स वहाँ पड़ा है, और ये देखो सुमित और मैं यहाँ सोए थे, और ये सब कुछ ऐसे पड़ा है, और ये देखो यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है यार, हमें यहाँ पर सफाई करनी है, मैं कैमरा रख देता हूँ यहाँ पर, और मैं करता हूँ उन सबको उठाता हूँ यार यहाँ से, सफाई तो करनी पड़ेगी मुझे। गाइस देखो 2 रुपये मिले मेरे को यहाँ पर, वाह यार 2 रुपये, ऐसा सुमित के करके 2 रुपये रख देता हूँ यहाँ पर, और फिर उसके बाद बाकी की सफाई कर लेता हूँ। ये उठा लिया दूसरा वाला बेड जिस पर रात को सोया था विकास, और फिर चलता हूँ मैं अब इसको बाहर रखा जाता हूँ, फिर उसके बाद लोगों कंटिन्यू करते हैं, कपड़े भी धोने अभी तो। और गाइस जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आज हमें सॉन्ग भी अपलोड करना है, और उसकी एडिटिंग अभी तक बाकी है, क्योंकि रात को लेट आया था और जल्दी सो गया था, तो इसीलिए अब करूँगा एडिट उसको, और आज शाम को 5 बजे उसको अपलोड करना है, तो वो भी आप लोग देख लेना जाके है ना, अभी तक नहीं दिखा तो। और गाइस अब शुरू होगा झाड़ू अभियान, क्योंकि गाइस झाड़ू निकालेंगे और उसके बाद लगाएंगे पूरे घर में पहुँचा, तो करता हूँ शुरू, और आप लोग यार व्लॉग का मजा लेते रहिएगा, आपके भाई की ऐसी हालत होती है ना, मेरे को पता है आप लोगों को काफ़ी मजा आता है, पिछले वाले व्लॉग में भी आपके अच्छे अच्छे कमेंट आए थे।
तो गाइस फाइनली सफाई वफाई तो आपके भाई ने कर ली है और आप लोग देख सकते हो कि अब है ना काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। और मैं रूम भी दिखा देता हूँ आपको अंदर से मेरा, क्योंकि अब है ना अब सफाई मैंने कर दी है और लाइट जला देता हूँ यार। देखो अब ठीक है ना, अब नहीं डांटेगी मम्मी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो बाहर चलते हैं। और गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद की सफाई कर लूँ, मतलब मैं खुद नालू कर लूँ, और फिर उसके बाद आज वीडियो वैसे भी है ना अपलोड करना है तो वीडियो एडिट कर लेंगे उसके बाद, और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करना जरूरी है तो उसके बाद पढ़ाई करूँगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके। और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।